हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो माय सेल्फ एस के डिग्रवाल। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे फ्रेंड्स या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो पे फर्स्ट टाइम हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी बॉटनी से रिलेटेड या लाइफ साइंस से रिलेटेड या नेट से रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपन कहें जो बच्चों की डिमांडिंग के अकॉर्डिंग है, वो भी अपन उनको वन बाय वन डिस्कस करते जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स जो एमएससी या पीजी के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये जो टॉपिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और हाल ही के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम जो होने वाली है बॉटनी सब्जेक्ट से, उनमें इन टॉपिक्स के बारे में काफ़ी मेंशन किया गया है। तो उन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अपन इन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इनमें से अभी जो टॉपिक है फिलहाल वो अपन देखते हैं, जैसे फिश एंड गिस। ये दोनों टेक्निक आप किसी भी एग्ज़ाम देते हो उनमें टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन आता है बायोटेक्नोलॉजी का, उनमें सभी के अंदर ये दोनों टेक्निक देखने को मिलती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम है उसमें भी दोनों टॉपिक जो है वो मेंशन किए गए हैं। और एमएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं बॉटनी से रिलेटेड या जूलॉजी से रिलेटेड, उनमें सब में ये फिश एंड गिस टेक्निक के बारे में पूछा जाता है, सीएसआईआर नेट के अंदर भी पूछा जाता है। तो आज अपन ये जो सिंपल सी टेक्निक है फिश एंड गिस, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिश के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ। जैसे फिश है तो फिश टेक्निक और गिस टेक्निक, वैसे दोनों का ही यूज़ बता दूँ आपको किस लिए यूज़ में आती है। दोनों टेक्निक जो है किसी भी जीन की एक्सप्रेसिविटी को चेक करने के लिए जो मेथड है वो यूज़ में लिया जाता है, कि कौन सा जीन जो है वो पर्टिकुलर कौन से टिश्यू में कब एक्सप्रेस हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में एक्सप्रेस हुआ है, कम एक्सप्रेस हुआ है, हाई एक्सप्रेस हुआ है, या फिर उनकी जो भी अपन जीन की प्रॉपर्टी है कि वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो उस जीन की एक्सप्रेसिविटी को चेक करने के लिए अपन फिश एंड गिस जो टेक्निक है वो यूज़ में लिए जाते हैं। ख़ास तौर से जो गिस टेक्निक है वो यूज में ली जाती है इन प्लांट मटेरियल स्टडी, कि प्लांट में जो हाइब्रिड वेराइटीज़ बनाई जाती है उन हाइब्रिड वेराइटीज़ को चेक करने, उनके जीनोम को चेक करने और दूसरी स्पीसीज़ के साथ कंपेरेटिवली अपन कहें कंपेयर करने के लिए यूज में ली जाती है गिस टेक्निक। यहाँ पर अपन पहले देखते हैं फिश टेक्निक। जैसे फिश जो है ये है क्या, एक डीएनए हाइब्रिडाइजेशन मेथड से डेवलप हुई है, डीएनए या न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन मेथड से डेवलप हुई है। इसके अलावा जो फिश है ये है फ्लोरोसेंट, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल यूज में लिया जाता है फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल। तो यहां पर ये है फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले जो टेक्निक है वो है अपनी फिश फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो टर्म है फ्लोरोसेंट जो है उसको तो अपन यूज में लेते हैं एज ए किसी भी जो डीएनए, जिससे जैसे कोई टारगेट डीएनए है, इस जीन की प्रेजेंस, टारगेट जीन उस जीन की प्रेजेंस को आप क्या करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि ये कोई सेल है, इस सेल के जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है इनमें से कौन से क्रोमोसोम के ऊपर पर्टिकुलर कोई जीन प्रेजेंट है, ये जीन प्रेजेंट है, आप इन जीन की प्रेजेंस को देखना चाहते हो कि रियल में ये जीन यहां प्रेजेंट है या नहीं है। जीन अगर प्रेजेंट होगा तो सीधी सी बात है जीन क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। और एक्सप्रेसिविटी, जीन की एक्सप्रेसिविटी को अपन कैसे चेक कर सकते हैं, तो कोई भी जीन यदि एक्सप्रेस होता है तो वो क्या बनाता है, उसका प्रोडक्ट बनाता है, मतलब आरएनए बनाता है।
जैसे ये जीन क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। अगर वो आरएनए यहां पर प्रेजेंट है, उस आरएनए को अपन आइडेंटिफाई कर लें, तो अपन क्या देख सकते हैं कि वो जीन यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है या जीन है वो क्या है यहां पर प्रेजेंट है। उस आरएनए मॉलिक्यूल को कैसे आइडेंटिफाई करें कि आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसका मतलब इस जिस आरएनए को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो उस आरएनए का पहले अपने पास में क्या होना चाहिए, प्रोब होना चाहिए। प्रोब क्या है, एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कोई भी डीएनए की शॉर्ट सीक्वेंस, और कैसी हो वो भी नॉन डीएनए सीक्वेंस, ऐसे डीएनए की सीक्वेंस जो अपने को पहले से पता हो। जैसे मैं एक बना दूं कोई भी एक सीक्वेंस, जैसे डीएनए की है तो यहां पर अपन कह सकते हैं ये एक डीएनए का प्रोब मॉलिक्यूल है 5' और ये 3'। ये एक प्रोब मॉलिक्यूल है, इसकी जो सीक्वेंस है वो भी अपने को पता है पहले से। अगर इसके जस्ट ऑपोजिट कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल या आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो उसके साथ में ये क्या बना लेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। सपोज अपन ने इस प्रोब को यहां इंसर्ट कर दिया तो ये क्या करेगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो भी प्रेजेंट होगी उसके साथ में हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो यहां पर ये जो आरएनए है, सपोज इसके साथ में इसने क्या कर लिया, हाइब्रिड बना लिया। ये क्या बना लिया, इसने हाइब्रिड मॉलिक्यूल बना लिया। जो प्रोब आप यूज में लेते हो उस प्रोब को अपन क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड करते हैं या फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से उसको क्या किया जाता है, टैग किया जाता है। फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से क्या किया जाता है, टैग किया जाता है कि जैसे ही ये जो मॉलिक्यूल है या फिर आप कहें ये जो प्रोब है किसी आरएनए के साथ बाइंड होता है और उसको पर्टिकुलर फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर अपन देखेंगे तो ये यहां पर क्या देगा, लाइट इमिट करेगा। और लाइट इमिट के कारण से ये अपनी प्रेजेंस वो शो कर लेगा, मतलब ये प्रोब जिस जीन के साथ बाइंड होगा उस जीन की पोजीशन अपने को बता देगा। जैसे यहां पर डीएनए है और ये यहां पर जाके बाइंड हुआ है तो ये अपनी पोजीशन यहां पर बताएगा कैसे, लाइट इमिट करके। तो अपन बता सकते हैं इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के इस भुजा के ऊपर या इस आर्म के ऊपर ये पर्टिकुलर जीन है या डीएनए का मॉलिक्यूल है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो फिश जो टेक्निक है वो यूज में ली जाती है, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ट मेथड है। फ्लोरोसेंट इन सीटू, इन सीटू का मतलब है किसी भी लिविंग सेल्स, किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर अगर उसकी जीन की प्रेजेंस को आप देखते हो तो उसे क्या बोलते हैं, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि अपन ने ये सेल ली है, इस सेल के अंदर ही अपन ने क्या किया है, जीन की प्रेजेंस को देखा है तो उसे क्या बोलते हैं, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मेथड यूज में लिया है, प्रोब और डिजायर्ड डीएनए, ये तो प्रोब है और ये डिजायर्ड क्या है, टारगेट है या डीएनए है मतलब। तो यहां पर फिश जो टेक्निक है वो यूज में ली जाती है, किसी भी डिजायर्ड डीएनए या टारगेट डीएनए की प्रेजेंस को देखने के लिए फिश टेक्निक यूज में ली जाती है, जिसमें एक प्रोब यूज में लिया जाता है। प्रोब क्या होता है, कोई भी डीएनए का ऐसा शॉर्ट मॉलिक्यूल जिसकी सीक्वेंस पहले से अपने को पता हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। प्रोब को फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से क्या किया जाता है, लेबल किया जाता है और उस फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल की कारण से उस प्रोब की प्रेजेंस को अपन देख सकते हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी की द्वारा। तो यहां पर ये था अपना फिश। इसमें
फिश फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी जो टेक्निक है, इसमें सबसे पहले टारगेट डीएनए को यूज में लेते हैं अपन। इसका एम मैंने आपको बता दिया, किसी भी जीन की स्पेसिफिक साइट और लोकेशन ऑन ए क्रोमोसोम ऑफ ए सेल, किसी सेल के पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए अपन फिश टेक्निक को यूज में लेते हैं। यहां पर अपन बोल रहे हैं एक स्पेसिफिक जीन की साइट को, स्पेसिफिक डीएनए के फ्रेगमेंट को चेक करने के लिए, ना कि कंप्लीट जीनोम को। यहां पर कंप्लीट जीनोम को अपन आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, किसी एक जीन की एक साइट को, मतलब किसी डीएनए की एक साइट को चेक करने के लिए। सपोज यहां पर अपन एक स्पीसीज है, ए है, इस स्पीसीज में अपने को कोई जीन की लोकेशन देखनी है कि वो जीन एक्सप्रेस हुआ या नहीं हुआ है। तो सपोज इसमें से अगर वो जीन एक्सप्रेस होगा, सबसे पहले अगर जीन एक्सप्रेस होगा तो आइसोलेट एमआरएनए। कोई भी जीन यदि एक्सप्रेस होगा तो वो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। उस आरएनए को आपने क्या किया है, आइसोलेट कर लिया। इस प्रकार से इस आरएनए से आप क्या बना सकते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में आप इससे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना सकते हो। ये क्या बना लिया आपने, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिया। डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए बनाया है, इस डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। ये सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए बना है, इस डीएनए को अपन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोल सकते हैं, जिसके 5' पर रेडियो लेबल्ड कर सकते हैं, P32, या फिर इसकी प्रेजेंस को देखने के लिए अपने इसमें फ्लोरोसेंट जो मॉलिक्यूल है वो भी ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से ये तो बन गया अपना प्रोब। ये अपने पास में क्या बन गया, प्रोब बन गया है। अब अपन चाहते हैं कि स्पीसीज ए में ये जीन कब एक्सप्रेस होना है, तो अपन किसी स्पीसीज में, या फिर अपन देखना चाहें कोई बी स्पीसीज है, ए स्पीसीज से रिलेटेड है, स्पीसीज बी है जो ए से रिलेटेड है, अपन देखना चाहते हैं कि ऐसा जीन कोई एक्स है, ये एक्स जीन इसमें एक्सप्रेस होता है क्या। अपन क्या देखना चाहते हैं, एक्स जीन की प्रेजेंस को यहां पर देखना चाहते हैं। सबसे पहले इस जीन से, या इस जीन को, इस जीन की जो सेल्स है उन सेल्स को आइसोलेट करेंगे, सेल्स, इन सेल्स को अपन क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, रप्चर करते हैं, जिनके रप्चर करने के बाद, जैसे इस प्रोब को अपन क्या करते हैं, किसी भी एक स्पीसीज में जिसमें अपन इस जीन को, इस जीन की प्रेजेंस को देखना चाहते हैं, जैसे ये कोई भी स्पीसीज, अदर स्पीसीज है, इस स्पीसीज में इस एक्स जीन की प्रेजेंस को क्या करना चाहते हैं, अपन देखना चाहते हैं।
जैसे, तो इस जीन को अपन क्या कर सकते हैं या इस सेल को अपन क्या कर सकते हैं, स्लाइड के ऊपर लेते हैं और स्लाइड के ऊपर लेने के बाद इस सेल को रप्चर किया जाता है। रप्चर करने के बाद इससे NaOH का या एल्कलाइन सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके कारण से इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इस प्रकार से डीनेचर हो जाता है और इस प्रोब को इसके साथ में डाल दिया जाता है। और ये प्रोब क्या करता है, अपनी जो कॉम्प्लीमेंट्री साइट है उसके साथ में जाकर बाइंड होता है। और इस प्रोब के साथ में यहाँ पर क्या अटैच है, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और जैसे इस स्लाइड को अपन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, लाइट को इमिट किया जाएगा और इमिट करने के कारण से इस जीन की प्रेजेंस को अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन यहां देखें कि कोई लिविंग सेल है इस प्रकार से, अगर लिविंग सेल में किसी जीन को अपन ये देखना चाहते हैं, जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, तो जीन एक्सप्रेशन कैसे देख सकते हो, अगर जीन एक्सप्रेशन होगा तो सीधी सी बात है इस सेल में क्या होंगे, आरएनए प्रेजेंट होंगे। आरएनए प्रेजेंट होंगे, अपन क्या करेंगे इस प्रोब को इसमें इंसर्ट कर देंगे और ये जो प्रोब है वो प्रोब क्या करेगा, किसी अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा और बाइंड होते ही वो क्या करेगा, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप की प्रेजेंस में लाइट इमिट करेगा और ये इसकी प्रेजेंस को क्या कर सकता है, शो कर सकता है कि यहां पर ये जीन है वो पर्टिकुलर एक्सप्रेस हो रहा है। क्यों, तभी ये जो आरएनए है, ये आरएनए किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हुआ है, प्रोब के साथ। तो ये आरएनए और प्रोब ने क्या बनाया है, हाइब्रिड मॉलिक्यूल बनाया है डीएनए आरएनए का, जिससे अपन कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जीन जो है वो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर भी क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। आप कैरियोटाइप बनाना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो कि कौन से जीन है वो कौन से पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कोई भी सेल लिए आपने, इस सेल को मेटाफेज में क्या किया, आपने अरेस्ट किया है, मेटाफेज में क्या किया है, अरेस्ट किया है, किसकी प्रेजेंस के कारण, कोल्चिसिन के प्रेजेंस के कारण से इसको मेटाफेज में अरेस्ट किया है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है इस प्रकार से मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज है और आपने क्या किया, इस प्रोब को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और यहां पर ये यह जाकर सपोज जीन के ऊपर बाइंड हो गया और लाइट को यहां पर क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। क्रोमोसोम के नंबरिंग अपन ने कर रखी है पहले से, तो अपन कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्स जो जीन है या एक्स जो जीन का प्रोब है वो पर्टिकुलर जाके किस पे बाइंड हुआ है, 4 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर बाइंड हुआ है। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि ये जो जीन है वो 4 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से गिस के द्वारा आप ये कह सकते हो किसी भी पर्टिकुलर जीनोम में एक स्पेसिफिक जीन या स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट को आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर्टिकुलर साइट पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय द मेथड ऑफ फिश टेक्निक। तो ये फिश टेक्निक है जो किसी भी जीन की एक्सप्रेसिविटी, कैरियोटाइप, लिविंग सेल्स में जीन की एक्सप्रेसिविटी, किसी भी सेल के क्रोमोसोम निकालकर उसमें जीन की प्रेजेंस को सबको अपन देख सकते हैं फिश टेक्निक के द्वारा, जिसमें एक प्रोब यूज में लिया जाता है। प्रोब जो होता है वो अपन कह सकते हैं 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड एक
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जिसे प्रोब के लिए यूज में लिया जाता है, और उस प्रोब को अपन पहले से क्या है जानते हैं कि इस प्रोब के पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या है, क्योंकि मोस्टली प्रोब्स कैसे होते हैं आर्टिफिशियली सिंथेसिस राइबो मतलब कह सकते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होती है। तो इस प्रकार से अपना जो फिश का टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है।